नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे चैनल ग्लोबल व्यापार में, जहाँ पे हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में, एसएम क्लियरेंस के बारे में और ऑप्शन के बारे में। सबसे पहले तो मैं दिल से आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहता हूँ कि हमारी जो फैमिली है वो अब 50,000 सब्सक्राइबर्स की हो चुकी है। तो इसी खुशी में एक बहुत ही अच्छा एक ऑप्शन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। ये एक ऑप्शन ऐसा ऑप्शन होने वाला है जो कि जिसमें से आप आइटम खरीद के अपने चाहने वालों को गिफ्ट तक दे सकते हैं। जी हाँ, ये एक ऐसा ऑप्शन होने वाला है जिसमें कोई भी पार्ट ले सकता है। अगर आप लोगों ने MSTC में रजिस्ट्रेशन करा रखा है और आपके पास अथॉरिटी है किसी भी ऑक्शन के इंस्पेक्शन में जाने की, तो ये इस ऑक्शन का जो इंस्पेक्शन है वो 12 जुलाई तक और 13 जुलाई तक चलने वाला है। दो पोर्ट पे ये ऑक्शन हो रहा है, एक हो रहा है विशाखापट्टनम पे, एक हो रहा है आपका वास्को डी गामा यानी गोवा पे। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा ये ऑक्शन किया जा रहा है। इन ऑक्शनों में जो आइटम आया हुआ है वो गोल्ड और सिल्वर के आइटम्स आए हुए हैं, यानी कि एक नॉर्मल बंदा भी जाके उसको खरीद सकता है और आगे मार्केट में बेच सकता है। किसी भी ऑक्शन में पार्ट लेने का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है कि ऑक्शन का वैल्यूएशन करना, उस प्रोडक्ट का वैल्यूएशन कर पाना कि उसको मैं इतने वैल्यू में खरीदूंगा तो मार्केट में कितने में बेच पाऊंगा। बट जो सिल्वर एंड गोल्ड है उसकी हमेशा मार्केट में कोई ना कोई प्राइस फिक्स होती है, तो आपको पता है कि इसको कितने में मेरे को खरीदना है क्योंकि बिकेगा ये इतने में ही। तो ये जो ऑप्शन है ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होने वाला है। आप लोग कोई भी कॉमन बंदा जिसने MSTC में रजिस्ट्रेशन करा रखा है, जिसके पास अथॉरिटी है जाने की, वो जाके ऑक्शन में इन आइटमों को देख सकता है और बाद में बोली लगा सकता है। तो मैं आप लोगों को सीधा अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर लेके चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या ऑप्शन है। और आप लोगों ने अगर अब तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए क्योंकि इस चैनल पे मैं इस तरह के वीडियोस लाता रहता हूँ रिलेटेड टू बिजनेस, ऑक्शन और कस्टम क्लियरेंस। तो चलते हैं सीधा मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पे। दोस्तों देखिए, ये मैं आप लोगों को सीधा ऑक्शन वाले पेज पर लेके आ चुका हूँ MSTC के। ये आपका जो ऑक्शन होने वाला है ये एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पर होने वाला है। इंस्पेक्शन डेट जो है इसकी है 30/6/2021 से लेकर 12/7/2021 तक, यानी इस महीने की 12 तारीख तक ये इंस्पेक्शन चलने वाला है। आइटम्स पर नज़र डालते हैं। आइटम्स हैं आपके गोल्ड आइटम में, देखिए क्या क्या है। गोल्ड आइटम में आपकी फिंगर रिंग 2 ग्राम की फिंगर रिंग, एक और है 2 ग्राम की फिंगर रिंग, 4.4 ग्राम की ब्लैक बिट्स वाली चेन है वो भी 6 ग्राम की है फिंगर रिंग। टोटल गोल्ड आइटम जो है वो 16 ग्राम का रहने वाला है। सिल्वर आइटम में देखिए ये सारी चीज़ें हैं, सिंगल लेग चेन, फिर आपका सिंगल लेग चेन चेन्स है, फिर आपकी फिंगर रिंग सिल्वर में भी है, फिर आपकी ब्रेसलेट है, फिर आपकी पेंडेंट है। सिल्वर का जो टोटल आइटम रहने वाला है 162.525 ग्राम्स का है। तो ये सारी ज्वेलरी है देखिए जो विशाखापट्टनम एयरपोर्ट पे होने वाली है आंध्र प्रदेश में। मैं आपको गोवा वाली भी दिखा देता हूँ, गोवा में क्या क्या आइटम ऑक्शन पर लगा हुआ है इस टाइम पे। तो देखिए गोवा का भी जो इंस्पेक्शन डेट है वो 13/7/2021 तक चलने वाला है। तो अगर आप लोगों ने MSTC में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो आप जाके इसको देख सकते हैं। यहाँ पे गोल्ड की, यहाँ पे सिर्फ गोल्ड की आइटम्स हैं, सारी गोल्ड की आइटम में देखिए टोटल 31 आइटम्स हैं। 4 नंबर ऑफ़ गोल्ड फिंगर रिंग्स है डायमंड के साथ, 3 नंबर ऑफ़ गोल्ड फिंगर रिंग्स है, बाली है पर्ल के साथ, पेंडेंट्स हैं, ये सारी चीज़ें हैं, फिर विद डायमंड्स चेन्स है विद पेंडेंट्स, यानी मतलब ये सारी चीज़ें हैं। अब इसका अप्रॉक्स वेट जो है गोल्ड का एक्सक्लूडिंग सारी जो डायमंड वगैरह अलग जो प्रेशर स्टोन लगे हैं, सिर्फ गोल्ड गोल्ड का जो वेट रहने वाला ज्वेलरी का वो है 186.96 ग्राम्स। तो ये सारा आइटम देखिए किस तरीके से आप लोगों को ऑक्शन में मिल सकता है। आप लोगों ने अगर MSTC में रजिस्ट्रेशन करा रखा है तो जाके इनसे इंस्पेक्शन में पार्ट ले सकते हैं, और फिर बाद में 14/7/2021 को इसकी ऑनलाइन बिडिंग शुरू होगी, उसमें बिडिंग करके अपना आइटम उठा सकते हैं। तो ये सारा जो होता है ना, ये स्मगल वाला आइटम होता है जो स्मगलिंग करके लोग वहाँ लाने की कोशिश करते हैं इंडिया में, जो नॉन रिस्ट्रिक्टेड होता है वो उसी के थ्रू जो गोल्ड आइटम वगैरह सीज़ किया जाता है एयरपोर्ट पर कस्टम्स द्वारा, ये वही वाले ऑप्शन है। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को पता लग गया क्योंकि इस ऑप्शन में क्या क्या आइटम आया हुआ है, किस तरीके से आपको इसमें बोली लगानी है। बोली उसी तरीके से लगाइएगा। आप पहले मार्केट में सोने का रेट पता कर लीजिए कि इस टाइम में मार्केट में सोने का क्या रेट चल रहा है, मैं सेकंड हैंड सोना कितने में बेच पाऊंगा, यहाँ पे ग्राम्स वगैरह सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, तो आपको पता है कि कितनी कितने बोली तक आपको इसको खरीदना है। तो इस वीडियो को तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं किसी लाइव ऑप्शन में या ऐसे ही किसी ऑप्शन के वीडियो में, जहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि इस ऑप्शन में आपको क्या क्या आइटम मिल सकता है। थैंक यू सो मच दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो।